गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किया हुआ था और एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट की हुई थी। ठीक है, उसके हमने 1-3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। राइट, क्वेश्चन पढ़िए। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी, एक एपी दी हुई है 9, 17, 25, मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। मतलब क्या है, हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब एन फाइंड आउट करना है। एपी दी हुई है, एपी दी हुई है, इसका मतलब हमें ए भी पता है और डी भी हम निकाल लेंगे और सम भी पता हुआ है, तो हमें निकालना है हाउ मैनी टर्म्स, मतलब हमें एन फाइंड आउट करना है। सो हमें दिया हुआ है, हम सपोज कर लिया एन नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है, तो एस एन क्या है हमारे पास, इट मीन 636 है, और AP क्या है मेरे पास 9, 17, 25 एंड सो ऑन, ये AP है। तो A की वैल्यू क्या हो गई, 9 ऐसे रहते तो डिस्टिंग्विश, A 9 हो गया, डिफरेंस इतना है 17 - 9 विच इज़ इक्वल टू 8। राइट, अब हमें SN का फॉर्मूला क्या होता है, N बाय 2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है फॉर्मूला, याद है ना। तो SN कितना है, 636 गिवन है, एन बाई टू 2A, ए की वैल्यू क्या है 9, प्लस एन माइनस 1 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, और डिफरेंस कितना दिया हुआ है 8, ठीक है, दिया हुआ है कह लो या फिर हमने फाइंड आउट किया। राइट, अब क्या करें, 636 इज इक्वल टू एन बाई 2, यहाँ भी देखो 2 है और यहाँ भी 2 का फैक्टर है, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, जिससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाएगी, 9 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 636 इज इक्वल टू 9, एन बाहर है, 9 प्लस 4n माइनस 4 हो गया, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, 636 इज इक्वल टू n, 9 माइनस 4 5 प्लस 4n हो गया, और इसके बाद 636 इज इक्वल टू 5n प्लस 4n स्क्वायर, ठीक है। अब फैक्टर्स बन जाएंगे 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब 636 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम फैक्टर्स बनाने हैं, 6 4 24, 24 25, 2 5 5 4 आना चाहिए, 2 5 4 4 आना चाहिए, और प्लस माइनस करके आना चाहिए 5। अब देखो इसके हम तुम एलसीएम निकालोगे तो इसका एलसीएम आएगा 53 को 48 से मल्टीप्लाई करके देखें, 24 42 4 12 5 21 4 4 5 2 आ गया, तो इट मींस हमारे 53 एंड 48 फैक्टर्स बन गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0 बन गए फैक्टर्स, यहाँ से कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा, n कॉमन आ रहा है बस, 4n माइनस प्लस 53, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, ऑब्वियसली 12 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे निकलेगा 4n प्लस 53 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये सारे कैलकुलेशन का पार्ट था हमारा, तो हमारे फैक्टर्स क्या बन गए, n माइनस 12, 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू क्या होगी 12 एंड l की वैल्यू क्या होगी माइनस 53/4। मैंने तुम्हें कल भी बताया था n कांट बी नेगेटिव एंड n कांट बी फ्रैक्शन, तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा इंटीजर, तो n की वैल्यू होगी 12, तो मतलब कि 12 टर्म्स होंगी जिससे हमारे पास इस सीक्वेंस में 12 टर्म्स का सम क्या होगा 636। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, द फर्स्ट टर्म, ये क्लियर भी नहीं आ रहा, यस, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45, ए दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। अब हमें निकालना सम और कॉमन डिफरेंस दोनों चीज़ें निकालनी है, और हमें दिया क्या हुआ है, एस एन दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, और फर्स्ट टर्म दी हुई है ए, ठीक है। तो अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस में ना हमें किस तरीके से करना है, पहले तो ये देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज, मतलब हमें ए दिया हुआ है 5 एंड द लास्ट टर्म ए एन कह लो एल कह लो एक ही बात है 45, ठीक है। सम ऑफ, सम क्या दिया हुआ टर्म्स का, 400 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास क्या करना है, हमें
अब हमारे पास n और d में इक्वेशन बन जाएगी, कैसे बनेगी? देखो ए एन 45 दिया हुआ है, तो यहाँ ए एन की वैल्यू पुट कर दो। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू क्या है? 45 गिवन है, a की वैल्यू 5, n माइनस वन डी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 40 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। इसी तरीके से इसका यूज़ करो, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन बाय टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है फॉर्मूला इसका, राइट। तो एस एन की वैल्यू क्या है? 400, n बाई टू एज इट इज 2a, 2a क्या दिया हुआ है? 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, 800 इज इक्वल टू n ऑफ 10 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू क्या है? 40। तो यहाँ पे 40 पुट कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। क्या कह सकते हैं? सब्स्टिट्यूटिंग फर्स्ट इन टू, क्या लिखो? बाय सब्स्टिट्यूटिंग टू इन, सॉरी वन इन टू। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एन माइनस वन इंटू डी की जो वैल्यू थी ना 40, वो हमने यहाँ पुट कर दी। समझ में आ गया? तो ये क्या बन गया, 800 इज इक्वल टू एन इंटू 50 हो गया। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या फाइंड आउट कर लेंगे हम, 800 अपॉन 50, जीरो से ज़ीरो कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा, 1, और यहाँ पे 3 गया तो 6, तो n की वैल्यू आ गई हमारी 16। ठीक है, अब n की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हमें इसने क्या बोला, डिफरेंस भी फाइंड आउट करना है, तो d n की वैल्यू सब्सटीट्यूट इन 1, मतलब सब्सटीट्यूट n इन 1। तो अभी n की वैल्यू 1 में पुट कर दो, तो 40 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी थी फर्स्ट इक्वेशन, तो इसमें 40 इज इक्वल टू n क्या है, 16, 16 माइनस 1 15 d, तो d की वैल्यू क्या आ गई, 40 बाय 15, ये आ गया हमारा d। ठीक है, तो d की वैल्यू आ गई हमारी 40 बाय 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसको वैसे कैंसिल भी कर सकते हो, 5 से काट दो, 8 अपॉन 3 आ जाएगा शायद पीछे आंसर, तो फिर ये मत कंफ्यूज होना कि मैम ने 40 बाय 15 क्यों लिख दिया। ठीक है, बात एक ही है, मैंने कैंसिल आउट नहीं किया था, कैंसिल आउट कर दो, कैंसिल आउट करोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि हमें लोवेस्ट फ्रैक्शन में शो करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, देखिए क्वेश्चन नंबर है 6, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एप इज 17 एंड 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर एंड वट इज देयर सम। अब हमें क्या निकालना है, n निकालना है, n के साथ साथ क्या निकालना है, sn भी निकालना है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, n निकालना है और sn निकालना है। देखो क्वेश्चन क्या है एग्जैक्टली, पहले समझो, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एप इज, मतलब a हमें दिया हुआ है 17 एंड ए एन हमें क्या दिया हुआ है 350, लास्ट टर्म दी हुई है। इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9, तो ऑब्वियस है पहले सबसे ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ए एन दिया होता है। ए एन के फॉर्मूले में कितनी चीज़ें होती हैं, कितने वेरिएबल्स होते हैं, 4 वेरिएबल्स होते हैं, जिसमें से 3 हमें दिए हुए हैं, तो ऑब्वियसली एन निकल जाएगा। ठीक है ना, तो ए एन की वैल्यू क्या है, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए एन की वैल्यू हो गई 350, ए 17 प्लस एन माइनस वन, डिफरेंस कितना है 9, तो यहाँ से 350 माइनस 70 क्या आ जाएगा, 333 हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें 17 ऐड करेंगे तो 350 हो गया इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 9, तो एन माइनस वन की वैल्यू क्या आ गई, 333 बाय 9 आ गया। ठीक है ना, अब इसको कैंसिल आउट करो, ये होता है कैंसिल, 3 और 963, 37 हो गया, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 38, तो ये आ गया मेरा n। अब यहाँ से हमने n फाइंड आउट कर लिया, n फाइंड आउट कर लिया तो sn निकल जाएगा। sn क्या होता है, n बाई टू ए प्लस एल वाला फॉर्मूला लगा देंगे, और l क्या होता है, an ही होता है। ठीक है ना, कितनी बार बताया हुआ है, तो n क्या है 38 बाई टू, a क्या है 17, और ये क्या है 350, तो इसको सॉल्व कर लो, बस सिंपल है क्वेश्चन। ठीक है, इसको सॉल्व खुद कर सकते हो वैसे, एस एन इज इक्वल टू 38 बाई 9, मतलब 19, 3
3367. अब 367 को SN से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि 19 से मल्टीप्लाई कर दो, यू गॉट योर आंसर. मतलब कि आ जाएगा तुम्हारा S, क्या है, S38 इज इक्वल टू आ जाएगा, S38 ही निकाला था ना हमें, यस 6973. ठीक है, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, राइट. ये था हमारा 6th क्वेश्चन. अब वैसे भी अगर तुमने थर्ड क्वेश्चन, इस 5.3 का थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुम ये थर्ड क्वेश्चन 10 के 10 पार्ट्स बहुत अच्छे से कर लेते हो ना, तो तुम्हें कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आई थिंक. ठीक है, 7th क्वेश्चन. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एफ बी इन विच डी इज इक्वल टू 7 एंड 27th टर्म इज 149. अब 27th टर्म दी हुई है और हमें दी हुई है डी दिया हुआ है, ठीक है, तो इससे ए निकल जाएगा हमारा, ठीक है ना. देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर क्या है, 7th, यस ना, यस 7th. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स. हमें निकालना है S22. पहले इस तरीके से लिख लो क्या क्या कर निकालना है. S22 हमें फाइंड आउट करना है, इन विच डी हमें क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, एंड A22 मतलब 27 टर्म दी हुई है, 22nd टर्म दी हुई है 149. ठीक है, अब इसमें यह चीज़ दी हुई है, जो चीज़ दी हुई है ना बस उसी का फॉर्मूला लगा दो. A22 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है AN का फॉर्मूला. बार बार लिखती हूँ मैं ताकि तुम भी लिखो. और A22 क्या हो गया, A प्लस 22 मतलब 21D हो जाएगा, राइट. और ये क्या दिया हुआ है, 149. कितना क्लियर हो गया. अब A प्लस 21D कितना है, 7 विच इज़ इक्वल टू 149. तो A प्लस कितना आ जाएगा, 7 इंटू 7, 7 टू 14 इक्वल टू 149. तो A की वैल्यू मिल गई 2. ठीक है, A हमारा क्या फाइंड आउट हो गया, 2 फाइंड आउट हो गया. अब A हमारा निकल गया, AN हमें पता है, SN फाइंड आउट कैसे करेंगे. अब SN फाइंड आउट करने से पहले हमें N भी पता होना चाहिए. और SN हमें क्या निकालना है, एक मिनट, 22, यस A की वैल्यू 2 है और डिफरेंस कितना है, 7 है. N कितना है, 22 है. बस SN के फॉर्मूले में लगाओ, N बाय 2, 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी. और या फिर ये वाला फॉर्मूला लगा दो सिंपल, क्योंकि हमारे पास क्या है, S22 ही हमें निकालना है और A22 हमें गिवन है. तो इसका मतलब हम ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, A प्लस L वाला, मतलब लास्ट टर्म, क्योंकि लास्ट टर्म हमें गिवन है, ठीक है ना. तो उसमें लास्ट टर्म वाला ही फॉर्मूला लगा दो, थोड़ा ईजी हो जाता है. तो SN क्या हो जाएगा, N बाय 2 मतलब 22 बाय 2. A की वैल्यू क्या है, 2 प्लस L कितना है, 149. तो ये क्या हो जाएगा, 11 इंटू 151. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो यू गोट योर आंसर. तो इसका आंसर हो जाएगा, जब निकालोगे तो 1661 आ जाएगा, सम ऑफ 22 टर्म्स, राइट. ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7th कंप्लीट, राइट. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8. देखो क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ द एपी. मतलब कि S51 निकालना है, हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म इज गिवन. तो सेकेंड और थर्ड टर्म गिवन है, सेकेंड और थर्ड टर्म गिवन है. जब भी हमें दो टर्म्स गिवन होती है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, अगर हमारे पास कभी भी दो टर्म्स गिवन होती है तो हम क्या करते हैं, उन दोनों टर्म से A और D की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है ईजिली. और A और D जब हमारे पास आ गया तो हम किसी का भी सम निकाल सकते हैं, ठीक है. तो 8th क्वेश्चन में क्या करना है, हमने सबसे पहले हमें निकालना है सम ऑफ 51 टर्म्स. तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन मार्क, की सम ऑफ 51 टर्म्स हमें फाइंड आउट करना है. वो सेकेंड टर्म क्या दी हुई है, 14, और थर्ड टर्म क्या दी हुई है, 18. ठीक है, अब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यूजिंग द फॉर्मूला AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D. सॉरी माइनस आएगा इधर, ठीक है. तो AN की वैल्यू क्या है, मतलब A2 के लिए, A2 क्या हो जाएगा, 14 है, विच इज़ इक्वल टू A प्लस 13D. मतलब A प्लस 13D की वैल्यू आ गई 14, ठीक है ना. इस तरीके से लिख सकते हैं इसको. और इसी तरीके से A3 की वैल्यू क्या होगी, A प्लस D होगा ना, ठीक है. और A3 वैल्यू A प्लस 2D इज इक्वल टू 18, राइट. A2 मतलब A प्लस D हुआ ना, A प्लस D इज इक्वल टू 14, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D इज इक्वल टू 18. अब सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड भी कह सकते हो, और ये भी कह सकते हो सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड. तो हम ये लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड. तो क्या लिखोगे, A प्लस 2D इज इक्वल टू 18 एंड A प्लस D इज इक्वल टू 14.
ठीक है, तो माइनस करो तो कैंसिल, डी की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अब डी मेरे पास 4 आ गया, अब ए प्लस डी कितना है, ए प्लस डी कितना है, 14 है। तो ए प्लस 4 इज इक्वल टू 14 हो गया, क्यों, डी की वैल्यू 4 हमने भी फाइंड आउट की है, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10, ए की वैल्यू हो गई 10 हो गई, डी की वैल्यू हो गई 4। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एस 51 विच इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला उसका, एन बाय 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो एन की वैल्यू क्या है, एन तो हमें निकाला है 51 बाय 2 हो गई, 2 इंटू ए मतलब 10 प्लस एन क्या है 51, 51 माइनस 1 50 इंटू डी की वैल्यू क्या है 4। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 51 बाय 2 इंटू 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 10 प्लस 50 इंटू 2 100 हो गया, क्योंकि एक 2 तो हमने कॉमन ले लिया, एक 2 रह गया, 50 इंटू 2 100। तो ये क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल, ये हमारा इजी हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 110 हो गया। अब हमें क्या करना है, 51 को सीधा 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क ईजी हो जाता है इससे, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5610। तो ये हमारा आ गया S51, सम ऑफ 51 टर्म्स, राइट। तो ये क्वेश्चन आई थिंक काफ़ी ईजी था, है ना। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन करो, देखो। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, CBSE के लिए भी और NR बोर्ड के लिए भी। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, हमें सम निकालना है फर्स्ट 10 टर्म्स का, और हमें दो टर्म्स दिए हुए, सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एन AP एंड सेट ऑफ 17 टर्म्स इज 289। मतलब अब देखो, जब हमारे पास ना हमेशा ये क्वेश्चन ना हरियाणा बोर्ड के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन कितनी बार आता है और बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, इसमें लिखा हुआ है सम ऑफ टर्म्स और बच्चे लगा देते हैं टर्म वाला फार्मूला एंड अ टर्म वाला फार्मूला। देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, जस्ट अ मिनट, थोड़ा लाइट नहीं कर दूँ, ठीक है। अब हमारे पास क्या था क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, मतलब हमें S7 गिवन है, सम ऑफ 7 टर्म्स इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स, एस ऑफ 17 इज इक्वल टू 289, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स, हमें ये फाइंड आउट करना है। देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इस फॉर्मूले में हमें ना यहाँ पे सम दिया हुआ है। अब बच्चे क्या प्रॉब्लम क्या हो जाती है, वो ना अब क्या करते हैं, n टर्म्स निकाल लेते हैं, मतलब कि a7 लिख लेते हैं यहाँ पे और a17 लिख लेते हैं और फिर उसको फाइंड आउट करते हैं, तो वो क्वेश्चन हमेशा गलत हो जाता है इसी तरीके से, इसी वजह से। यहाँ पे सम ऑफ 7 टर्म्स दिया हुआ है एंड सम ऑफ 17 टर्म्स दिया हुआ है, उसके बाद हमें सम निकालना है n टर्म्स का, ठीक है। तो सम 17 n टर्म्स का दिया हुआ, तो पहले sn का फॉर्मूला लिख लो, क्या होता है, n बाय 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है फॉर्मूला, राइट। अब एस एन इज इक्वल टू 7 अगर हम पुट करते हैं तो एस सेवन कितना है, एन बाय 2 मतलब 7 बाय 2 हो गया, राइट। और 2a प्लस एन हमें पता है कितना है, 7 माइनस 1 6 डी इज इक्वल टू 49, राइट। अगर मैं इसको साथ साथ सॉल्व करूँ तो क्या आ जाएगा बेटा, तो यहाँ से हमने 7 बाय 2 इंटू 2 कॉमन ले लो, दोनों में से निकल रहा कॉमन, तो क्या बचेगा, a प्लस 3 डी इज इक्वल टू 49 आ गया, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल और 7 ज़ा 49, तो हमारे पास आंसर आ गया a प्लस 3 डी इज इक्वल टू 7। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1 हमारी, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन कैसे निकाल लेंगे, देखो। अब हमारे पास अगर हम n इज इक्वल टू 17 पुट करते हैं, क्यों, हमें 17 s ऑफ 17 की वैल्यू पता है, तो s ऑफ 17 क्या होगा, 17 बाय 2 टू ए प्लस 17 माइनस 1 16 डी इज इक्वल टू 289, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो अब यहाँ से भी 2 कॉमन ले लो, तो 17 बाय 2 इंटू 2 ए प्लस 8 डी इज इक्वल टू 289 आ गया, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल और 17 जा 289, तो यहाँ पे आ गया 7। तो यहाँ से हमारे पास क्या, हमने निकाल लिया a
प्लस 8d इज इक्वल टू 17, ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम वन, तो हम क्या करेंगे, a प्लस 3d लिख के इसको इसमें से माइनस कर देंगे, कैंसिल हो गया ए, तो यहाँ क्या 5d इज इक्वल टू 7, तो d की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल ली 2, राइट, d की वैल्यू निकल गई 2, ठीक है। अब किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लो, एलिमिनेशन मेथड लग गया ना, दो इक्वेशंस मिल गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से, सॉल्व कर लो क्वेश्चन। अब दो इक्वेशन मिल गई, अब a प्लस फर्स्ट इक्वेशन क्या थी मेरी, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 थी, a प्लस d की वैल्यू क्या है 2 7, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 7 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, 1 मिल गई, ठीक है, a 1 मिल गया। अब फाइंड आउट क्या करना था हमें, फाइंड द सम ऑफ कहाँ था n टर्म्स, sn निकालना है, तो sn का फॉर्मूला क्या है, इसी में पुट कर दो बस a और d की वैल्यू, इस इक्वेशन को a मान लो, तो a क्या बन जाएगा, a becomes sn is equal to n by 2, 2 into a 1 था plus n minus 1, d की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। अब 2 कॉमन ले लो उनमें से, कैंसिल कर दो, n by 2 into 2 कॉमन 1 plus n minus 1 बचा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या बचा, 1 से 1 कैंसिल, n square, तो sum of n terms क्या बना, n square, मतलब कि अगर हमें किसी का भी इसकी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन निकालनी हो ना, मतलब सम ऑफ अगर मुझे 4 टर्म्स निकालना है तो 4 स्क्वायर, सम ऑफ 3 टर्म्स निकालना है तो 3 स्क्वायर, सम ऑफ n टर्म्स निकालना है तो n स्क्वायर, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया sn इज इक्वल टू n स्क्वायर, मतलब कि हमें सम ऑफ n टर्म्स निकाल लिया जनरल, ठीक है। तो बड़ा इजी हो जाता है हर एक टर्म्स को निकालना, और मतलब हर एक टर्म को नहीं, हर एक टर्म्स तक के सम को, 4 टर्म्स तक का सम, 10 टर्म्स तक का सम, 15 टर्म्स तक का सम, इस तरीके से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन, इसी तरीके का है कुछ, सम ऑफ एन टर्म्स ही बताया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, अब जैसे जैसे हम आगे चल रहे हैं ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते जा रहे हैं हमारे पास, लास्ट एक्सरसाइजेस के बाद ऑप्शनल है, वो भी करवाऊंगी इसकी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन CBSE के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए नहीं है इंपॉर्टेंट, CBSE के लिए इंपॉर्टेंट है बस, जो ऑप्शन है। 10th क्वेश्चन देखिए, शो दैट A1 A2 A3 अप टू AN टर्म्स हैं, ठीक है, एंड सो ऑन फ्रॉम एन AP वेयर AN की हमें वैल्यू पता है, AN इज इक्वल टू 3 + 4n, और सेकेंड पार्ट क्या है, इकट्ठे करवाती हूँ दोनों पार्ट, सेकेंड पार्ट क्या है, AN इज इक्वल टू n माइनस 5n, हमें निकालना सम ऑफ 15 टर्म्स, 15 टर्म्स का सम निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, n इज इक्वल टू 15 मिल गया, a चाहिए और डिफरेंस चाहिए, तो हम सम ऑफ 15 टर्म्स निकाल लेंगे। देखो a निकालने के लिए हमें ये पता है कि ये ap है, तो सिर्फ दो टर्म्स निकालने से काम चल जाएगा, कैसे, n इज इक्वल टू 1 पुट करो, तो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 + 4 = 7, a2 की वैल्यू क्या आएगी 3 + 8 = 11, और a3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 9 3 12 + 3 = 15, तो डिफरेंस कितने का हो रहा है, D इज इक्वल टू क्या होता है a2 - a1 विच इज इक्वल टू 11 - 1 विच इज इक्वल टू 11 - 7 विच इज इक्वल टू 4, और A फर्स्ट नंबर क्या है 7, तो मेरे को A पता है, डिफरेंस पता है, ठीक है ना, डिफरेंस पता है, A पता है, और n क्या वैल्यू है, सम ऑफ 15 टर्म्स फाइंड आउट करनी है, तो s15 कैसे निकालेंगे, n/2 2a + n - 1 इंटू d वाले मेथड से, n/2 मतलब 15/2, 2a, a की वैल्यू 7 प्लस n माइनस 1, डिफरेंस कितना है 4, तो 2 कॉमन लेके काट दो, तो क्या बचेगा 15, 7 प्लस ये 2 बचेगा 2n - 2, तो 15 n भी तो पता था हमें, 15 - 1 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 7 + 14 - 2, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा 12 + 7 = 19, 19 को 15 से मल्टीप्लाई करो तो यू गेट द वैल्यू ऑफ s15, ठीक है। तो अब हमें s15 की वैल्यू क्या निकलेगी, हमारी 10th क्वेश्चन है ना, 525, तो ये हमारा निकल जाएगा s15, राइट। इसी तरीके से लाइक दैट है बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल लाइक दैट है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, an = n - 59 है, तो n = 1 a1 निकाल लो, a1 क्या निकलेगा 9 - 5 = 4, a2 निकाल लो
फाइव टू जेड टेन, टेन नाइन माइनस टेन क्या माइनस वन, डिफरेंस क्या हो जाएगा एट टू माइनस सेवन विच इज़ इक्वल टू माइनस वन माइनस फोर विच इज़ इक्वल टू माइनस फाइव, ये आ गया डिफरेंस। अब एस फिफ्टीन निकालना है तो सीधा इसी फॉर्मूले में लगा दो, ठीक है ना, एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला फॉर्मूला, फिफ्टीन बाय टू टू इंटू ए का मतलब क्या हुआ, ए क्या है फोर, फर्स्ट टर्म फोर है तो फोर प्लस एन माइनस वन मतलब फोर्टीन, डी का मतलब माइनस फाइव, ठीक है, टू से लेके कॉमन कैंसिल कर दो, फिफ्टीन फोर रह जाएगा और यहाँ से टू कॉमन रह जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, माइनस फिफ्टीन सेवन माइनस सेवन फाइव ज़ा थर्टी फाइव, तो आगे फिफ्टीन माइनस ऑफ थर्टी वन, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो फोर सिक्सटी फाइव आ जाएगा, तो एस फिफ्टीन क्या आ जाएगा माइनस फोर सिक्सटी फाइव, बिल्कुल लाइक दैट क्वेश्चन था, बिल्कुल भी चेंज नहीं था कुछ भी खास, ठीक है। तो अब इलेवेंथ क्वेश्चन करते हैं, इजी क्वेश्चन है ना बहुत, अभी तो एक दो दिन और लगेगा इस एक्सरसाइज पे, इसके एग्जांपल्स कर लेना ज़रूर, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, ठीक है। अब हम इलेवेंथ क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा अलग भी। देखो क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज फोर एन माइनस एन स्क्वायर, what is the first term, what is the second sum of first two terms, what is the second term, similarly find third and tenth term of the and the nth term, मतलब हमें सिर्फ sn पता है और उसने हमसे सब कुछ पूछ लिया, sn हमें sn की वैल्यू क्या है 4n माइनस n स्क्वायर है, sn की वैल्यू क्या है 4n माइनस n स्क्वायर, और पूछा क्या है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स और सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म टेंथ टर्म nth टर्म, ये सब कुछ पूछ लिया। तो सबसे पहले लिख लो क्या क्या पूछा उसने, एक तो उसने फर्स्ट टर्म पूछी है हमसे, एक सेकेंड टर्म पूछी है और एक सम ऑफ टू टर्म्स पूछा हुआ है और एक सम ऑफ n टर्म्स पूछा हुआ है और क्या पूछे हुए सम टर्म, मतलब फाइंड द थर्ड टर्म a3 और a10 और ऐसा नहीं पूछा हुआ ए एन पूछा हुआ, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है, सब कुछ हमें फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन में आ गया सॉरी कभी गलत डिस्टिंग्विश हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पूछी हुई हैं, अब इनसे निकालें कैसे, देखो सम नहीं हुआ है, अब सम ऑफ वन टर्म क्या होगा, एक ए पी है ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन, सम ऑफ वन टर्म क्या होगा ए वन ही होगा, तो S1 को मैं क्या लिख सकती हूँ A1 लिख सकती हूँ विच इज़ इक्वल टू A, तो अगर मैं इस सम वाले फॉर्मूले में Sn वाले फॉर्मूले में n की वैल्यू 1 पुट कर देती हूँ तो वो क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म ही हो जाएगा, तो मैंने क्या किया Sn को लिखा पहले 4n माइनस n स्क्वायर और n की वैल्यू पुट कर दी 1 यहाँ पे, ठीक है, n की वैल्यू 1 पुट करने पे क्या आ गया ये S1 आ गया जो क्या था A1 था जो क्या था A था, एन की वैल्यू वन पुट की तो फोर माइनस वन क्या आ गया थ्री, तो मेरे पास फर्स्ट टर्म क्या आ गई थ्री आ गई, ठीक है। अब अगर मैं एन की वैल्यू टू पुट कर देती हूँ, एन की वैल्यू टू पुट कर देते हैं कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर इन इक्वेशन नंबर टू, पुट एन इज इक्वल टू टू इन इक्वेशन नंबर वन, तो एस टू, एस टू का मतलब क्या हुआ सम ऑफ टू टर्म्स, इट मीन्स ए वन प्लस ए टू विच इज़ इक्वल टू ए वन प्लस ए टू का मतलब इसके sn इसमें n की वैल्यू टू पुट कर दो फोर टू ज़ा एट एट माइनस फोर फोर, तो हमारे पास सम ऑफ टू टर्म्स क्या आ गई फोर आ गई, मतलब ए वन प्लस ए टू क्या आ गया फोर, फोर कैसे आया समझ आ गया ना बताऊँ करके, फोर n की वैल्यू टू पुट किया माइनस टू का स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू एट माइनस फोर फोर, ठीक है, इस तरीके से आया हमारा, तो ए वन प्लस ए टू क्या आ गया फोर और ए वन क्या था थ्री था, तो अब इस इक्वेशन को ले लो टू और इक्वेशन को ले लो थ्री, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ गया ए वन और ए टू, ए वन प्लस ए टू, अब सॉल्विंग सेकंड एंड थर्ड, ये पुट इन इक्वेशन वन था बेटा,
यहाँ वन था, ठीक है ना, वन कर लेना। सॉल्विंग सेकेंड एंड थर्ड, सॉल्विंग सेकेंड एंड थर्ड का मतलब क्या है, ए वन प्लस ए टू की वैल्यू क्या है, फोर। ए वन की वैल्यू क्या, थ्री, थ्री थी, यहाँ थ्री पुट कर सकते हैं, थ्री प्लस ए टू क्या आ गया, फोर। तो ए टू की वैल्यू क्या आ गई मेरी, वन। तो ए टू क्या आ गया मेरा, वन आ गया, ठीक है ना। तो ए टू वन मिल गया, ठीक है। अब हमें बाकी चीज़ें निकालनी है। ए टू आ गया वन, ए वन क्या था, थ्री, ठीक है। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ए टू माइनस ए वन करके निकालते हैं। ए टू की वैल्यू वन है और ए वन की वैल्यू माइनस थ्री है, तो ये माइनस टू हो गया, तो डिफरेंस हो गया माइनस। अब डिफरेंस भी आ गया, फर्स्ट टर्म भी आ गई, अब तो सब कुछ निकल सकता है, कुछ भी निकाल लो। ए थ्री कैसे निकलेगा, ए प्लस टू डी, ए प्लस टू डी का मतलब ए की वैल्यू क्या है, थ्री, प्लस डी की वैल्यू क्या है, माइनस टू। तो थ्री माइनस फोर विच इज़ इक्वल टू माइनस वन, तो ए थ्री आ गया माइनस वन, ठीक है। और क्या निकालना था, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म तो ये आ ही गया था फोर, ठीक है ना। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म क्या है मेरा, एस टू इज इक्वल टू फोर। अब क्या निकालना था, टेंथ टर्म, ए टेन का मतलब ए प्लस नाइन डी, ए का मतलब ए की वैल्यू क्या थी, थ्री थी ना, थ्री प्लस नाइन का डी क्या था, नाइन, डी मतलब माइनस टू, तो थ्री माइनस एटीन, एटीन माइनस थ्री माइनस फिफ्टीन, तो ए टेन हो गया माइनस फिफ्टीन। अब क्या निकालना है, ए एन, ए एन मतलब ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए की वैल्यू क्या है, थ्री प्लस एन माइनस वन, डी का मतलब क्या है, माइनस टू, तो यहाँ पुट कर दो, थ्री माइनस टू एन प्लस टू विच इज़ इक्वल टू फाइव माइनस टू एन, फाइव माइनस टू एन, तो ये मेरा हो गया, ए एन की वैल्यू आ गई फाइव माइनस टू एन, राइट। तो इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन हम किए जाते हैं। तो अब देखो, हमने सब कुछ फाइंड आउट कर लिया, ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, एस एस टू निकाल लिया, ए टू निकाल लिया, डिफरेंस निकाल दिया, थर्ड टर्म फाइंड आउट कर दी, सम ऑफ टू टर्म्स फाइंड आउट कर दिया, और क्या निकाल दिया, एनथ टर्म भी फाइंड आउट कर ली। तो इस तरीके से हमने इसके सारे की सारी चीज़ें फाइंड आउट कर ली। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लाइक दैट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एग्जाम्स में, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ट्वेल्थ क्वेश्चन। ट्वेल्थ क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर जो डिविजिबल है 6 से। फर्स्ट 40, फर्स्ट 40 का मतलब देखो कि स्टार्टिंग किससे हो रहा है, 6 का डिविजिबल जो होगा वो 6 से ही डिवाइड होगा, स्टार्टिंग 6 से हुई, फिर 12, देन 18 एंड सो ऑन। और उसने क्या कहा हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर जो डिविजिबल है 6 से। तो ए क्या हो गया, 6, डिफरेंस कितना हो गया, 6, एन क्या हो गया, 40। तो निकालना है सम ऑफ 40 इंटीजर्स, तो फॉर्मूला क्या होगा, एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डिफरेंस डी, एन क्या है 40 बाय टू, टू इंटू ए की वैल्यू क्या है 6, प्लस एन माइनस वन 40 मतलब 40 माइनस वन 39, डिफरेंस कितना है 6 का, इजी है ना। तो 40 बाय टू 20, 12, 39 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6 12 18 24, 24 में से 6 के 240, 236, ठीक है, 39 6 है, यही आएगा ना। देखो कैसे निकालते हैं, मैंने क्या किया, 40 को किया, 40 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 4 ज़ा 40, 240 आ गया, 240 में 6 गया, 234, ठीक है, 234 आ गया। तो 20 इंटू 12 प्लस 3, ये क्या बनेगा, 246 बन गया, ठीक है, 246 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 दुनी 12, 2 दिन 4, 8 ब्रेक 9, 2 दुनी 4, 4920। तो सम ऑफ 40 टर्म्स क्या हो गया, 4920। लेट मी चेक जस्ट अ मिनट, यस करेक्ट आंसर लिखो, इस तरीके से थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर, राइट। अब थर्टीन क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8।
15 मल्टीपल्स निकालने हैं, किसके निकालने हैं, 8 के, 8 के 15 मल्टीपल्स कैसे होंगे, 8, 16, 24 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये सेम क्वेश्चन, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8, डिफरेंस कितना है 16 माइनस 8, 8, एंड कितना है 15 टर्म्स का निकालना है, राइट। तो फिर अब सम ऑफ 15 सम निकालना है, तो एस 15 फॉर्मूला सेम दोबारा नहीं लिखूंगी बार बार, ठीक है, इसी में 15 की वैल्यू पुट कर देती हूँ, 15 बाय 2, 2 ए, ए की वैल्यू क्या है 8, एन माइनस वन मतलब 14, डिफरेंस कितना है 8 का है, ठीक है। तो एस 15 इज इक्वल टू 15 बाय 2, 2 कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा 8 प्लस 7 आ जाएगा, 7 8 जा 56, 2 से 2 कैंसिल, 15 इंटू 56 प्लस 8 कितना आ जाएगा 64, 64 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा, 64 को कौन सा क्वेश्चन होता है 960, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा एस 15, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस करते हैं, राइट। एक और इसी तरीके लाइक दैट क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन वो भी करवा देती हूँ, ये लास्ट होगा बस क्वेश्चन आज का, 14 क्वेश्चन तक कर लेते हैं आज हम। हमने फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट किया था, 14 क्वेश्चन पे आ गए हैं। मैं थोड़ा सा स्पीड से इसलिए करवाती हूँ बेटा क्योंकि कम टाइम में तुम्हारा ज़्यादा काम चल जाए, और बार बार रिपीट करके ये देखोगे वीडियो तो समझ भी आ जाएगा। और प्लीज़ लाइक कर दिया करो कम से कम वीडियो को, अगर पसंद आती है तो तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है हमें भी। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट द सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो 0 और 50 के बीच के ऑड नंबर्स का सम करना है, ठीक है, 0 और 50 के बीच के ऑड नंबर्स का सम करना है। देखो सबसे पहले तो जो हमारे पास सीरीज है ना, वो अब हमें ऑड नंबर वाली लेनी पड़ेगी। तो 0 के बाद फर्स्ट ऑड नंबर क्या आएगा, 1, सेकेंड 3, देन 5, देन 7 एंड देन 50 इज़ नॉट एन ऑड नंबर। तो फिर उससे पहले वाला क्या आएगा, 48, 47, 49, ये हो गया ऑड नंबर्स। अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। अब इन सब का सम निकालने के लिए हमें एन तो नहीं पता, हमें ये तो नहीं पता कितने नंबर हैं ऑड नंबर, ठीक है। तो एन फाइंड आउट करने के लिए हमें लास्ट नंबर तो पता है, इट मीन्स हमें ए एन पता है, ए एन पता है, ए पता है, और डिफरेंस पता है 2 का, राइट, सब कुछ पता है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू क्या है 49, ए 1, एन माइनस 1, डिफरेंस कितना है 2 का, ठीक है ना, राइट। 49 माइनस 1 48 इज इक्वल टू एन माइनस 1 2, तो n माइनस 1 क्या होगा 48 बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 24, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 25, तो n तो हो गया 25, मतलब कि कितने ऑड नंबर्स हैं, 25 ऑड नंबर्स हैं बिटवीन 0 एंड 50, इतना तो कंफर्म हो गया। अब उसके बाद क्या निकालना है हमें, इनका सबका सम। तो सम निकालने के लिए s ऑफ सम sn निकालने के लिए क्या होगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एन बाई टू ए प्लस एल वाला फॉर्मूला लगा दें, क्यों, एल हमें पता है ना 49 लास्ट में हमें पता है, तो इसका मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, ए एन भी बोल सकते हैं, लेकिन जब फॉर्मूला लगाओगे तुम एल ही लिखोगे, ठीक है। तो फिर एन बाई टू, एन हमें पता लग गया 25 बाई टू होगा, फर्स्ट टर्म क्या है 1, लास्ट टर्म क्या है 49, और ये क्या आ जाएगा 25 बाई टू, 49 प्लस 1 15 को 2 से मल्टीप्लाई, ओ सॉरी 25 आ जाएगा। तो एस एन कितना निकल गया 625, मतलब कि सम ऑफ हमारा कितने टर्म्स निकल गई, 25 टर्म्स का सम क्या हो जाएगा 625, क्लियर हो गया। अब यहाँ तक मैंने 14 क्वेश्चन तक तुम्हें करवा दिया, नेक्स्ट वीडियो में 15, 16, 17, 18, 19, 20 तो हमारे रह गए, अब 6 क्वेश्चंस और रह गए, 6 क्वेश्चंस भी हो जाए नेक्स्ट वीडियो में होता है, क्योंकि ये जो नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस हैं ना ये थोड़े से टफ हैं, मतलब 15 और 16, 17 तो फिर ठीक है, 18, 19, 20 में थोड़ा सा टाइम लगेगा, राइट। तो आई थिंक तुम्हें समझ आ रहा होगा मेरी वीडियोस जो मैं बता रही हूँ तुम्हें, और कुछ प्रॉब्लम आती है या कोई क्वेरी हो तो कुछ भी हो तो पूछ लेना, कमेंट करके पूछ लेना, या फिर बाय कॉल करके पूछ सकते हैं, मेरा नंबर यहाँ लिखा होता है हमेशा, मैं लिख के रखती हूँ, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट एक वीडियो में नेक्स्ट जिसके क्वेश्चंस, ठीक है। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करो, लाइक करने से क्या होता है, और शेयर करना, शेयर करने से ज़्यादा बच्चों के पास चला जाएगा। वैसे तो बहुत हैं जो वीडियोस बनाते हैं, लेकिन अपने अपनी समझ हो जाती है, कहीं समझ आता है कहीं नहीं समझ आता,
तो लाइक ज़रूर करना ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। ओके।